क्वेश्चन नंबर 22 अ प्रोटॉन मूविंग व्हाट इज इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंटर ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 वोल्ट टेस्ला डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ विद स्पीड ऑफ 2.7 मीटर सेकंड माइनस 1 कैलकुलेट नंबर 1 मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस प्रोटॉन सेकंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन path and third the lateral displacement of proton while moving 0.2 meter towards east ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो देखिए मैंने कहा प्रोटॉन मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट तो प्रोटॉन किधर चल रहा है ईस्ट की ओर चल रहा है यहां पर हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं एक छोटा सा ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है ईस्ट ये नॉर्थ ठीक है क्या पता अब चले इसी के बारे में देखा इधर आपका पीएच से वेस्ट हो गया और ये आपको देखा सो इस नॉट नॉट इज वेस्ट सो right value of E
प्लस 7। अब 3.2 को 0.34 से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आएगा, देन बताइए क्या मल्टीप्लाई 3.2 बाय 0.34 देखने के टर्म का फोर्स हो जाएगा 0.9।
पहला पार्ट कैंसिल आ रहा इंडेक्स में देखो इनटू 1.6 भी है, देखें 0.34 है और साथ में 1.6 भी तो है, 0.1.6 इससे भी डिवाइड होता है, तो डिवाइड बाय 1.6 भी है ना, तो चलिए इस रिजल्ट को डिवाइड बाय 1.6 करते हैं, 1.6 तो ये वाला आ गया है 6.13 आ गया, अब ये 10^4 मास का मतलब 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.6139 होगा, ठीक है, ये वाला कितना निकलेगा 0.614 हो जाएगा मीटर, कितना निकलेगा हैं 0.625 प्रोटॉन का मास 1.7 लिया हमने, 1.67 लिया था, अगर ना दिया रहता तो 1.67 लिया, प्रोटॉन का मास 1.67 ग्राउंड फेयर 1.7 चले काफी।
और कुछ बताना है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताना है, थर्ड पार्ट करेंगे। फाइव लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाइल मूविंग 0.2 मीटर ईस्ट, जब 0.2 मीटर ईस्ट चलता है तो जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है जैसे मध्य पार्ट के यहाँ पर है टी पर और 0.2 मीटर चलता है, 0.2 मीटर ईस्ट जा रहा है, ये डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। तो आप कितना जा रहे हैं देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन में इतना ऊपर चला जाएगा ना, ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। क्या बोलेगा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो चलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। इसमें यू की वैल्यू कितना है देखिए, फॉर मोशन इन वाई डायरेक्शन, फॉर मोशन इन नॉर्थ डायरेक्शन है, फॉर मोशन इन नॉर्थ डायरेक्शन, हम नॉर्थ डायरेक्शन के मोशन के लिए स्टडी करते हैं, फॉर मोशन इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ डायरेक्शन के मोशन के लिए तो देखिए देयर इज नो वेलोसिटी इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में पोटेंशियल है, नो वेलोसिटी, पोटेंशियल के पास कोई भी वेलोसिटी नॉर्थ डायरेक्शन नहीं है, जो भी वेलोसिटी है ईस्ट में है ना, इसलिए यू नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। नॉट डायरेक्शन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं 0.2 मीटर ना, नहीं ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू फाइंड, ये हम वाई लेते हैं, आपने कितना लिया एस लिया, इसको वाई लेते हैं जो लेटरल डिस्प्लेस होता है, इसको क्या टी है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू देखो ना, डिस्प्लेसमेंट इन नॉट डायरेक्शन जो है टी, और टाइम आप निकाल लीजिए, तो टाइम कैसे निकालना होगा, टाइम जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 0.2, स्पीड आपकी कितनी है, स्पीड इन्होंने दिया है 2 to 10 इट पॉज से ना, तो 2 to 10 इट पॉज से ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 2 to 10 इट पॉज माइनस वन और माइनस 7 आपका लेटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, टी मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, यू मालूम हो गया, अब एक्सीलरेशन निकालिए, तो एक्सीलरेशन कितना होगा बताओ, ये एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ अपॉन एम, तो एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फोर्स की वैल्यू कितना है 1.0888 (10^-12) डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 (10^-26) दिस इज एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इन नॉर्थ डायरेक्शन, इतना हो जाएगा 1.0888 डिवाइड बाय 1.7 (10^-12) प्लस 26, ठीक है। 1.0 से डिवाइड करिए कितना है,5.44 को 17 से डिवाइड
टेन इन टू माइनस वन, ठीक है। तो ये जरा पॉइंट जीरो थ्री टू आएगा, कितना दे रहे हैं पॉइंट जीरो